नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सिर्फ जुमला है। देश में क्या चल रहा है वो तो खैर आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल सरकार के राज में छोटे छोटे गांवों में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से गरीब आदिवासी किसानों के नामों पर अफसरों और बिजली कंपनी के ठेकेदारों का क्या घोटम घोटाला चल रहा है, वो इसी बात से पता लगा लो कि ना कनेक्शन हुआ ना बिजली के खंभे लगे, लेकिन इनके नाम पर बिजली ठेकेदारों ने करोड़ों के बिल पेश कर दिए और अफसरों ने भी आंखें बंद करके बिल पास कर दिए। अब जब करोड़ों का घोटम घोटाला है तो कौन जांच करेगा और कौन गरीबों की सुनेगा? क्या है बुरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों को कृषि कनेक्शन देने के कार्य में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। उदयपुर जिले के झाड़ोल सर्कल में 55 किसानों को कनेक्शन देने थे। अब कंपनी ने दिए तो केवल 15 कनेक्शन और सभी 55 कनेक्शन का बिल पेश कर दिया। अधिकारियों ने भी आंख बंद करके 2,19,00,000 रुपए का बिल पास कर दिया है। आदिवासी बहुल झाड़ोल के किसान अभी भी कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। केवल झाड़ोल सर्कल में कंपनी 850 कनेक्शन का पैसा पहले ही उठा चुकी है। अंतिम कनेक्शन की पड़ताल की तो अनियमितताएं सामने आई। उदयपुर जिले में सिंचाई के लिए 6,000 किसानों को कृषि कनेक्शन देने के लिए निगम ने एआरजी कंपनी को 192 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था। कंपनी ने 4,436 किसानों को कनेक्शन देने के लिए बिल निगम को सौंप दिए हैं। इनमें झाड़ोल सर्कल के 900 कनेक्शन भी शामिल हैं। अंतिम 55 कनेक्शन का बिल फरवरी में निगम को दिया और मार्च में वो पास भी हो गया। अब हकीकत यह है कि 55 में से केवल 15 किसानों को ही कनेक्शन दिए गए और शेष 40 के कुछ भी काम नहीं हुआ। बावजूद इसके अधिकारियों की मिली भगत से 2,19,00,000 रुपए का बिल गत 18 मार्च को पास हो गया साहब। जयन, अयन और एक्सन तीनों के साइन होने के बाद ये बिल पास हुआ है। जिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिले हैं उनके सबके एक ही बात सामने आई है कि एक साल पहले आवेदन किया था, 6 माह पहले डिमांड जमा करवा दी, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है साहब। अब कागजों के भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जिन ट्रांसफार्मर को किसानों के खेतों कुओं में लगा हुआ बताया जा रहा है वो झाड़ोल के कमानी के गोदाम में पड़े हैं। कृषि कनेक्शन देने में कागजों में लिखा है कि 12 पोल लगाए, जैसे कि झाड़ोल में लुणावतों का खेड़ा निवासी बाबूलाल पुत्र रूपा अंगारी को कृषि कनेक्शन दे दिया गया है। मौके पर 6 पोल लगाए हुए हैं, जबकि कंपनी ने इसका बिल 12 पोल लगाने का दिया है। एक पोल करीब 4,000 रुपए और ट्रांसफार्मर करीब 1,00,000 रुपए का आता है। कंपनी ने कई जगह बिजली निगम के ही पोल उपयोग में ले लिए और बिल पेश कर दिया। जिम्मेदार अधिकारी इतने बड़े घपले को मान नहीं रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इंक्वायरी करवाएंगे और ऑडिट और जांच करवाने की वो बात करते हैं। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार दरअसल उस सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जिसका मुखिया कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन यहां जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सब खा रहे हैं और सबको खाने दे रहे हैं, बस गरीब आदिवासी आंखें फाड़े देख रहा है जिसको वाकई जरूरत है। क्या बड़े अधिकारी या जिम्मेदार लोग इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस तरह से जो घोटाले होते हैं, वास्तविक जो नीडी लोग होते हैं, जिनको जरूरत होती है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, गरीब किसान होते हैं जिनको वाकई में जरूरत होती है, वो देखते रह जाते हैं और बीच में से सब कुछ उड़ा ले जाता है कोई और? क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए।